आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है, हाँ या ना? आप नेगेटिव हैं क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराई क्योंकि आपको लगता है आपका एक्सीडेंट होगा। अगर आपको मालूम है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, इंश्योरेंस क्यों करवाई? लेकिन आपने करवाई, हम सब करवाते हैं। हाँ, जब इंश्योरेंस नहीं करवाते गाड़ी की, तो क्या गाड़ी चलती है कि नहीं चलती? चलती, जहां हमने पहुंचना वहां पहुंचाती है कि नहीं? हाँ, उसकी स्पीड कम तो नहीं होती, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, इंजन कोई दिक्कत तो नहीं करता, पार्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। बट फिर भी जो लोग सेवकाई में नहीं है वो बिना इंश्योरेंस के लोग हैं, वो चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, शादियां होंगी, खाएंगे पिएंगे, काम करेंगे, कुछ नहीं होगा उनको। बट एक्सीडेंट बता के नहीं होते। एक दिन ऐसा आएगा, एक्सीडेंट हुआ, मालूम हुआ, कहां गए जी, खत्म हो गए। ये लोगों की स्टोरीज मैंने सुनी। कोविड आया, बिजनेस बंद, कोविड आया, चर्च बंद, क्योंकि हम इंश्योर्ड नहीं थे। परमेश्वर की सेवकाई आपकी इंश्योरेंस है। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई, हो सकता है 10 साल कोई प्रॉब्लम ना हो, बट एक दिन, वो एक दिन, 20 साल में अगर एक एक्सीडेंट हो तो चलेगा नहीं चलेगा? 10 साल में एक बार करंट लग जाए थोड़ा हैवी सा, चलेगा? एक बार ही नहीं चलेगा। बैड डे एक ही सारी सिचुएशन को चेंज करता है, क्योंकि वो लोग इंश्योर्ड नहीं है, उनकी इंश्योरेंस नहीं है। हालेलुया। आप जब सेवा करते हैं, अपने पास्टर्स पर एहसान नहीं और जीसस क्राइस्ट पर एहसान नहीं करते, आप अपने आप के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सेवकाई आपकी इंश्योरेंस है। एक सेवा करने वाला इंसान दूसरे से ज्यादा सिक्योर है। राइट एटीट्यूड में, स्पिरिट में सेवा करने वाला इंसान, वो पास्टर, वो विश्वासी, वो बिजनेसमैन, वो जॉबमैन, दूसरों से ज्यादा इंश्योर्ड है, उसे कुछ नहीं होगा। जब वो एक्सीडेंट से होकर भी गुजरता है, उसे मालूम है कुछ पे नहीं करना, ऑलरेडी पेड हो चुका है, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं।